लेडीज़ एंड जेंटमैन आज के आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो जाति इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उनको क्या क्या कहते हैं तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आय फैक्शनर का जाति इस्तेमाल की चीज़ें यानी कि पर्सनल आइटम्स का वीडियो ट्यूटोरियल जो बाज़ू का बैंड होता है उसे कहते हैं आर्म बैंड कुछ लोग बाज़ू के ऊपर एक बैंड साफ पहनते हैं तो उसे कहेंगे आर्म बैंड आर्म बैंड चूड़ी को कहते हैं बैंगल बैंगल जो कमर बंद होती है जिसे हम पेंट वग़ैरह कसते हैं उसको कहेंगे बेल्ट बेल्ट कंगन जो होता है उसे कहते हैं ब्रेसलेट ब्रेसलेट कंघी को कहेंगे कॉम कॉम जो मसनू दांत होते हैं उनको कहते हैं डेंचर्स खासतौर पे जो बुजुर्ग होते हैं उनको डेंचर्स लगाने पड़ते हैं जब दांत गिर जाते हैं डेंचर्स जो कान की बाली होती है उसे कहते हैं एरिंग एरिंग एनक को कहेंगे ग्लासेस, ग्लासेस जो कंगा होता है उसको कहते हैं हेयर ब्रश हेयर ब्रश जो हाथ में पकड़ने का बैग होता है बस्ता होता है उसको कहते हैं हैंड बैग हैंड बैग रुमाल जो नाक साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको कहते हैं हैंड कचेफ चाबी की गाड़ी की चाबी कार की घर की चाबी हाउस की अलमारी की चाबी अलमीरा की जो लाइटर होता है जिसे आग लगाते हैं उसे कहेंगे लाइटर लाइटर लिपस्टिक या सुर्खी को कहते हैं लिपस्टिक लिपस्टिक सिंहार को कहेंगे मेकअप मेकअप आईना मिरर मिरर हार नेकलेस नेकलेस जो पर्स होता है बटवा होता है उसको कहते हैं पर्स पर्स अंगूठी को रिंग रिंग और जो सूरज के लिए हम एनके लगाते हैं उनको कहेंगे सन ग्लासेस सन दांतों के ब्रश को कहा जाता है टूथ ब्रश टूथ ब्रश दांतों की पेस्ट टूथ पेस्ट टूथ पेस्ट छतरी को अम्ब्रेला अम्ब्रेला छड़ी को वॉकिंग स्टिक जो बूढ़े लोग चलने के लिए यूज करते हैं वॉकिंग स्टिक बटवे को वॉलेट वॉलेट और जो घड़ी होती है उसको कहते हैं वॉच वॉच और हाथ पे या कलाई पे बांधने वाली घड़ी को कहते हैं रिस्ट वॉच रिस्ट वॉच लेडीज एंड जेंटमैन उम्मीद है कि आपको पर्सनल आइटम्स के बारे में इंग्लिश का पता चल गया होगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें मिलेंगे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में हैंडल देन टेक केयर कीप प्लानिंग कीप इंजॉइंग Good day.